बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होमोस्टेसिस। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसमें होमोस्टेसिस को समझेंगे क्या है। लेकिन इससे पहले ही बता दूं आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 1 जो है, ये बिल्कुल न्यू बुक जो आई है, ये उसके ऊपर बन रही है वीडियोस, बिल्कुल फ्रेश बुक, जिसके अभी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है लेकिन पीडीएफ अवेलेबल है, उसी से हम काम चला रहे हैं। तो ये उसी के ऊपर वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, मैट्रिक बायोलॉजी और इसका चैप्टर नंबर 2 होमोस्टेसिस, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। सिंटेक्स बुक बोर्ड की वेबसाइट पर चले जाइए, ई बुक में चले जाएँ और उसके बाद नाइन्थ में चले जाएँ, मैट्रिक में चले जाएँ, मैट्रिक में आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहरहाल ये अब चैप्टर का नाम जो है होमोस्टेसिस, ये है क्या? इसको मैं आपको क्विक जो है अभी समझा सकता हूँ कि ये है क्या। आसान लफ्ज़ों में इसको देखें ना, ये अल्लाह ताला ने जो हमारी कायनात बनाई है ना, ये बैलेंस्ड बनाई है। देखिए बैलेंस्ड के ये बार बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ना, बैलेंस्ड होता क्या है। बैलेंस की मिसाल होती है तराजू जैसी, एक जिसके दो पान होते हैं, दो पलड़े होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको हम इक्वल के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, और ये तो आजकल इस किस्म के तराजू तो चलते नहीं हैं, शायद ठेले वालों, सब्ज़ी वालों के पास, जो ठेले वाले हैं उनके पास अभी भी हों, वो ऐसे हाथ में पकड़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये दो पान उसके बने हुए होते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ वेट होता है और यहाँ पे कोई सब्ज़ी वगैरह जिसको डालना हो, ये अप एंड डाउन जो है दोनों पान होते रहते हैं इस तरह से, और ऐसे हो के ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बराबर हो गया। मतलब ये 2 kg जो वेट है ये बराबर हो गया इस सब्ज़ी के। समझ आ गई बात? आपको 2 किलो की सब्ज़ी चाहिए थी, 2 किलो सब्ज़ी इस तरह से आपको मिल गई। याद रहे कि ये दोनों पहले अप एंड डाउन होते रहे, ये अनबैलेंस स्टेट थी, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला जो है वो सब्ज़ी कम करता जा रहा था, ज़्यादा करता जा रहा था, तो एक मकदार सब्ज़ी की उसको वो मिली जिसके ऊपर ये बिल्कुल आमने सामने हो गए दोनों पलड़े, जिनको उर्दू में कहते हैं, ये पान बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। सब्ज़ी वाले ने बोला ठीक है आपकी 2 किलो की सब्ज़ी हो गई। इसको कहते हैं बैलेंस स्टेट। मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 = 1 + 1 कर दें, ये बैलेंस्ड है, बराबर है, जिसकी दोनों साइड बराबर हों, इसको हम कहते हैं इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वल भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम लिविंग थिंग्स की बॉडी को देखें तो उनके अंदर भी इसी तरह का एक बैलेंस स्टेट सिस्टम मौजूद है, तवाज़ुन की हालत में सिस्टम मौजूद है। तो सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको ये जिस्म दिया है वो तवाज़ुन की हालत में, मिसाल के तौर पर आपका बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है ना, आपका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, कम हो जाए तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। एक एग्जैक्ट मिकदार है टेम्परेचर की, वही होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ गया तो भी आपकी खैर नहीं है और अगर कम हो गया तो भी आपकी खैर नहीं है। अगर बढ़ गया तो आप बुखार से मर जाएंगे और अगर कम हो गया तो आप ठंड से मर जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो अभी आपका बॉडी टेम्परेचर है, मेरा है और आपका, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये एडल्ट का एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, तो ये होना चाहिए। अब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो कि उस चीज़ को रीस्टोर कर सके खुद ब खुद, आपने कुछ ना किया हो, खुद ब खुद उसको रीस्टोर कर दे। मिसाल के तौर पर अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही एक निज़ाम मौजूद हो जो कि आपकी जो ठंड लग रही है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो नीचे आ रहा है, ये दोबारा ऊपर जाके इसी में आ जाए, ये हो जाए।
और इसी तरह अगर आप डेजर्ट में हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर ही एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो कि आपकी बॉडी को ठंडा करके इस टेम्परेचर पे ले आए। बात समझ में आ गई? ऐसा जो निज़ाम, ऐसा जो मैकेनिज़म आपकी बॉडी के अंदर है, लिविंग बॉडीज़ के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर है, ऐसा निज़ाम जो कि आपके अंदर मौजूद चीज़ों को, प्रोसेसेस को ना तो बढ़ने दे ना घटने दे, बल्कि ऑप्टिमम लेवल पर रखे, जिसको कहते हैं ना ऑप्टिमम, बेहतरीन, ऑप्टिमम लेवल पर रखे। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेहतरीन, बिल्कुल मुनासिब लेवल पर रखे। ऐसे निज़ाम को हम कहते हैं होमोस्टेसिस। क्या कहते हैं? होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस एक ऐसा निज़ाम है आपकी बॉडी के अंदर जिसका काम यह है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें बढ़ रही हों तो उनको दोबारा उनके ओरिजिनल लेवल पे ले आए, और अगर कम हो रही हों तो उनको बढ़ा के उनके ओरिजिनल लेवल पे ले आए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का निज़ाम रिएक्ट करेगा, होमोस्टेसिस जो है वो आगे आ जाएगा। होमोस्टेसिस के पास एक ऐसा मैकेनिज़म है जो उस मैकेनिज़म को होमोस्टेसिस जो है वो यूटिलाइज करेगा, और वो मैकेनिज़म क्या करेगा कि ये बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे ले आएगा, या अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो दोबारा इसको अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। ये उसका काम है। तो क्लियर हो गया, होमोस्टेसिस इसको कहते हैं। अब ज़रा आप ज़रा इस चैप्टर को पूरे को समझ लीजिए। होमोस्टेसिस तो आपको क्लियर हो गया कि होमोस्टेसिस एक निज़ाम है, ठीक है, एक सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं इसके ऊपर बहुत पहले ही, जिसमें ख़ास तौर पे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को मैंने डिस्कस किया है ताकि आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी के अंदर जो निज़ाम है वो कैसे काम कर रहा है। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 ये मौजूद हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख लीजिए तरतीब के साथ। तो आपकी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसमें 8 से 10 जो है वो सिस्टम्स हैं। क्या नाम है उन सिस्टम्स के? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्क्यूलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। समझ में आ रही है बात आपको? और क्या है आपका जो है वो? इम्यून सिस्टम है। और कौन कौन से सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनको हमने डिस्कस भी किया पिछले चैप्टर के अंदर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो ये सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। इन सारे सिस्टम में से एक सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम का है। ये क्या है? ये कंट्रोलर ऑफ ऑल द सिस्टम्स है। आपकी पूरी बॉडी के जो दीगर सिस्टम्स हैं ना, इनको चलाने वाला भी एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली 2 सिस्टम से मिल के बनता है। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहलाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। पेरिफेरल सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स आ जाती हैं। तो पूरा नर्वस सिस्टम आपका जो है वो इनसे मिलके बनता है। लेकिन ज़रा फ़र्क रखिएगा, ये जो आपका नर्वस सिस्टम है जिसमें 2 सिस्टम्स मजीद हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है आपके दीगर सिस्टम्स को ओके रखना, ठीक है, जिसमें मैंने जिनके मैंने अभी आपसे नाम लिए। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको भी तो कंट्रोल करना है ना। वो कौन करेगा? क्या उसके लिए अलग निज़ाम है? बिल्कुल उसके लिए अलग निज़ाम है। ये करेगा यही, यानी कि नर्वस सिस्टम का ही एक अपना एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो कि सबको आगे लेके चलेगा और बैलेंस करके रखेगा, ठीक है, जिसको हम होमोस्टेसिस करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसको बैलेंस करने का काम जो है होमोस्टेसिस का। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसको बैलेंस करने का काम जो है होमोस्टेसिस का। होमोस्टेसिस जो है ये तो एक निज़ाम हो गया। इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म है बेसिकली, ये फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है होमोस्टेसिस का। इसमें ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ये करता क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो
इसका काम है रीस्टोर करना, पुरानी हालत पे लेके आना। रीस्टोर का मतलब है पुरानी हालत पर लेकर आना। ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसका काम ये है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म कर क्या रहा है, मिसाल के तौर पर इसमें दो सिस्टम्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। हमारा टॉपिक ये नहीं है बेसिकली, इस चैप्टर के अंदर जो है वो इसका एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि होमोस्टेसिस के अंदर ये मैकेनिज्म असल में काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है आपका ब्रेन है जो कि कंट्रोलर है। ठीक है, फिर क्या है, हमारे पास रिसेप्टर है और उसके बाद हमारे पास क्या है, इफेक्टर है। ये हैं जो कि काम करने वाले हैं। रिसेप्टर का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन लेता है सराउंडिंग से। मिसाल के तौर पर आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मिसाल के तौर पर फीलिंग हॉट, जैसे कि इस वक्त मैं भी महसूस कर रहा हूँ, फ़ैन ऑफ है, ठीक है ना, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो ये रिसेप्टर क्या है, ये रिसीव करने वाले हैं। क्या रिसीव करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन ये इस वक्त रिसीव कर रहे हैं, मेरी, बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरी मिल गई है, तो मेरी बॉडी की जो ये स्किन है, ये सेंस ऑर्गन है, ये स्किन मेरी जो है वो डिटेक्ट कर रही है। क्या डिटेक्ट कर रही है, हॉटनेस को ये डिटेक्ट कर रही है मेरी स्किन के सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसी स्किन के साथ क्या मौजूद है, इसी स्किन के साथ ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है सराउंडिंग के मेरे टेम्परेचर की इस स्किन को, ये स्किन आगे जो है वो इससे ये रिसेप्टर ले लेगा। ये रिसेप्टर जो है इस इन्फॉर्मेशन को आगे किसको फॉरवर्ड कर देगा, ब्रेन को फॉरवर्ड कर देगा। बोलेगा ये लीजिए जनाब, सराउंडिंग से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। कौन बोलेगा, रिसेप्टर बोलेगा। किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन स्किन की तरफ से आई है और स्किन क्या बता रही है कि एनवायरनमेंट जो है वो हॉट हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है कंपेयर करेगा, मवाजना। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कंपेयर करेगा। किस चीज़ को कंपेयर करेगा, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, किस चीज़ को कंपेयर करेगा। इसको मिटा दूं ज़रा, मैं जगह बन जाए, बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी आ गई है आपको, ये फीडबैक मैकेनिज्म और होमोस्टेसिस समझ में आएगा और मज़ा आएगा आपको। ब्रेन आपका कंपेयर करेगा टेम्परेचर्स को, कौन से टेम्परेचर्स को, बिफोर आफ्टर। ये वीडियो बनाने से पहले, शूट स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले फ़ैन ऑन था तो टेम्परेचर मॉडरेट था कमरे का, ठीक है, लेकिन मैं जो फ़ैन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि उसकी नॉइज़ जो है वो डिस्टर्ब करती है, वीडियो में आती है, तो मैं फ़ैन को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है, बिफोर स्विच ऑफ द फैन क्या टेम्परेचर था सराउंडिंग का, और आफ्टर स्विच ऑफ द फैन क्या टेम्परेचर है सराउंडिंग का। ये जो आफ्टर स्विच ऑफ द फैन टेम्परेचर है, ये इसके पास, ब्रेन के पास बाद में आया है, और पहले स्विच ऑफ करने से पहले फैन का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो ब्रेन के पास पहले से मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन ये मत भूलिएगा, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले से मौजूद है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आई है बाद वाली, कि अब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास बाद में आई है। पहले जो टेम्परेचर था सराउंडिंग का, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहले से मौजूद थी। अब पहले जो है क्या टेम्परेचर था, सपोज़ कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था फैन ऑफ करने से पहले, और फैन ऑफ करने के बाद टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, रूम का बढ़ गया है ना, तभी तो गर्मी लग रही है मुझे। तो ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फैन ऑफ हो गया, तो अब क्या हुआ है, फैन ऑफ होने के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर जब बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है,
तो स्किन ने जो है इसको डिटेक्ट किया और क्या बताया, क्या डिटेक्ट किया स्किन ने कि ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास दोनों इन्फॉर्मेशन हो गई, पहले वाली भी और बाद वाली भी। ये कंपेयर करेगा दोनों को कि कौन सा टेम्परेचर सूट कर रहा है बॉडी को। देखें अब ब्रेन का काम देखें, मैंने कहा ना फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। ब्रेन क्या करेगा, कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद देखेगा कि कौन सा टेम्परेचर सूट कर रहा है बॉडी को। बोलेगा ये टेम्परेचर जो है वो सूट कर रहा है बॉडी को। अब यहाँ से ब्रेन का काम शुरू होता है। ये क्या करेगा, अब ये ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा। किसको ऑर्डर पास करेगा, ये स्किन को ऑर्डर पास करेगा, स्किन को। ठीक है, स्किन को, हम इफेक्टर की बात कर रहे हैं ना, इफेक्टर का मतलब जिस पर असरअंदाज हो इसका हुक्म, ब्रेन का, ब्रेन का हुक्म जिस पर असरअंदाज हो। स्किन के ऊपर ही असरअंदाज होगा इस ब्रेन का हुक्म। क्या हुक्म देगा ये स्किन के अंदर बोलेगा स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं वो काम करना शुरू कर दें। ये स्वीट नहीं है, ये स्वेट है, पसीने को कहते हैं। तो आपकी स्किन के अंदर ये ग्लैंड्स मौजूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स। तो ब्रेन क्या बोलेगा, बोलेगा ऑर्डर भेजेगा किसके पास, स्किन में जो स्वेट ग्लैंड हैं वो बोलेगा कि अपना काम शुरू कर दो। स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है मेरी बॉडी में, जिसको हम पसीना आना कहते हैं। तो जैसे ही मेरी बॉडी से, मेरी स्किन से ये स्वेट निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, क्या होगा फिर, मेरी बॉडी जो हॉट हो रही थी, स्वेट में क्या है, स्वेट में क्या चीज़ है, स्वेट में वाटर है ना, क्या ख्याल है आपका, ये जो पसीना है आपका इसमें क्या है, वाटर है। वाटर जो है वो क्या करेगा, ठंडा करेगा या गर्म करेगा, ठंडा करेगा ना। तो स्वेट जो अब आपकी स्किन से निकल रहा है उसमें जो वाटर है वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन की हॉटनेस को ले जाएगा। किस शक्ल में ले जाएगा, वेपर्स की शक्ल में, एनवायरनमेंट में ले जाएगा। ये पसीना खुश्क भी तो होता है ना, ये देखें निकल रहा है तो खुश्क भी तो हो रहा है ना साथ साथ। पसीने के खुश्क होने का क्या मतलब है कि ये स्वेट जो है, ये पसीना जो खुश्क हो रहा है, असल में ये क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये आपकी स्किन से ये पसीना निकल रहा है, ये वाटर निकल रहा है, तो आपकी स्किन की हॉटनेस को भी लेके जा रहा है ये किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो मेरी बॉडी टेम्परेचर जो है वो दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा जो है वो 35 डिग्री से 30 डिग्री पर आ जाएगा। और मुसलसल ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। उसी हिसाब से ब्रेन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करता रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर अपनी जगह पर आता रहेगा, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो भी अपना काम थोड़ा थोड़ा स्लो कर देंगे, तो आपको पसीना भी कम आना शुरू हो जाएगा। और जब बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के मुताबिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। आपने क्या समझा इससे, मैंने क्या बताया था, होमोस्टेसिस। ये वो निज़ाम है जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को, अगर तो वो बढ़ रहे हों तो उनको ओरिजिनल पोजिशन पर लेके आएगा होमोस्टेसिस के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म का निज़ाम। और अगर वो आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम हैं, प्रोसेसेस हैं, चीज़ें हैं, वो कम हो रही हैं तो इनको उठा के दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। बढ़ रही हैं तो उनको कम करके बैलेंस करेगा, घट रही हैं तो उनको बढ़ा के बैलेंस करेगा। ये निज़ाम होमोस्टेसिस कहलाता है। ये प्लांट्स में भी है, ये एनिमल्स में भी है, ये इंसानों के अंदर भी है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेम्परेचर की मिसाल देके मैंने समझाया है, अब जो है इसमें फीडबैक मैकेनिज्म को भी हल्का सा हमने डिस्कस कर लिया जितना बुक में मौजूद था। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसके अंदर हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, हमारे पास है अगला टॉपिक होमोस्टेसिस इन प्लांट्स के नाम से। अब ये बोल रहा हूँ सर हमारे पास PDF खुला हुआ है, होमोस्टेसिस इन प्लांट्स तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो लिखा हुआ है एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। सर ये टॉपिक है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा, एक ही बात है, हम होमोस्टेसिस को बारी बारी इस पूरे बुक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, तीन हिस्सों में, पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। डिवाइड कर लीजिए, पहले होमोस्टेसिस हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, फिर होमोस्टेसिस जो है वो हम एनिमल्स में डिस्कस करेंगे इंसानों को छोड़ के, और आखिर में होमोस्टेसिस जो है वो हम
इंसान को डिस्कस करेंगे, इसमें यूरिनरी सिस्टम है और बहुत कुछ है। ये इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।